हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाड़िया एंड चलिए हम बात कर रहे थे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा चैप्टर चल रहा था और चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट टू है आज हमारा। काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। सेकंड ग्रेड के लिए हमारी जो सीरीज़ है चल रही है, बेसिकली ये टॉपिक हमारा फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड के लिए दोनों के लिए कॉमन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फॉर्म अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने पहली बात कर ली थी, काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने कर ली थी एंड इसी के साथ जो हमारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसे हम बनाते कैसे हैं उसकी बात आज हम करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, बेसिकली होता क्या है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन होती है, ठीक है। सो उसमें हमें बताया जाता है कि एक्स कोमा वाई पर आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो बेसिकली वो उसके साथ एक्स और वाई के ऊपर आपने किस टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन होता है लाइक ये इसको आपने 2x बना देना है एंड इसको आपने 2x प्लस 3y बना देना है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट हमारा इस टाइप से बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 0,1 पर लगाते हैं तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा एंड ये हमारा हो जाएगा 3, ओके। सो ये हमारी सिंपल सी ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन रहती है कि किस टाइप से आपने एक्स वाई को कन्वर्ट करना है। बट अगर हमें इस टाइप से गिवन हो कि आपने किसी पर्टिकुलर एक्स वाई पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई और आपके पास ये आंसर आया है, ठीक है, पर्टिकुलर इस फॉर्म में अगर हमें गिवन हो और जनरल फॉर्म में हमें बनाना हो कि भाई एक्स वाई पर आपने ऑपरेशन लगाया क्या है, ठीक है, यानी कि इस टाइप का ये जो ऑपरेशन आपने लगाया है ये पर्टिकुलर अगर हमें बनाना पड़ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हमें जनरल फॉर्म में बनानी पड़ जाए तो वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो आज हमारा टॉपिक है, इसके लिए हम लेते हैं जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं पर्टिकुलर सा हमारा, कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर में, ठीक है, और इसके लिए हमें बेसिकली जनरल फॉर्म में नहीं गिवन है कि आपने इसके साथ क्या किया, बल्कि हमारे पास गिवन है कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है 1,0 पर तो आपको 2,3 मिला, ठीक है। कैसे मिला वो हमें नहीं पता, वही तो हमें बनाना है, ठीक है। और आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई 0,1 पर, देन आपको मिला 3,5, ठीक है। सो इसके केस में हमें करना क्या होता है, स्टेप वन। सबसे पहले स्टेप वन में आपको क्या करना होता है कि जिन भी एलिमेंट्स पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है उन्हें आप जनरेटर्स माने और एक्स वाई को उन जनरेटर से बनाने की कोशिश करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक्स कोमा वाई है, इसे हमें बनाने की कोशिश करनी है हमारे जो गिवन एलिमेंट्स हैं उनको जनरेटर्स मान करके, ठीक है। जिन एलिमेंट्स पर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है इन्हें हम जनरेटर मानेंगे और इनसे उस एलिमेंट को पर्टिकुलर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार हम इसको हटा देते हैं सब चीजों को, सो बनाने की कोशिश करते हैं हम। चलिए, सो ये हमारे पास एलिमेंट्स थे और इन्हें हम जो है इन दोनों को, ठीक है, पर्टिकुलर जो गिवन एलिमेंट्स है इन्हें जो है हमारे जनरेटर्स मान करके और इन्हें बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इसे हमने कोई एक्स से मल्टीप्लाई किया 1,0 एंड वाई से मल्टीप्लाई करेंगे 0,1, तब जाकर के ये ऐसा बनेगा, ठीक है। चलिए, सो ये तो हमें पता चल गया कि एक्स वाई को बनाना है तो ये जनरेटर्स हैं, तो आप सिंपली एक्स से फर्स्ट को और सेकंड को वाई से मल्टीप्लाई करके इस टाइप के लीनियर कॉम्बिनेशन से इसको बना सकते हैं। इसने पर्टिकुलर हमें एक्स वाई को इसके फॉर्म में लिख लिया, ठीक है जी, जनरेटर्स मान करके। अब आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी हमने एक्स कोमा वाई पर एंड यहाँ पर भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी है। एक्स यहाँ पर बाहर आ जाएगा और 1,0 इनसाइड बचेगा प्लस वाई इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 0,1, ठीक है। अब हमारे पास देखिए, ये तो हमें फाइंड आउट करना है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1,0 ये हमें गिवन है, ये हमारा आंसर क्या है जी, 2,3। सो एक्स इंटू 2,3 प्लस वाई इंटू टी जीरो वन भी हमारे पास गिवन है कि हमारे पास आंसर आता है 3,5। सो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है, सो इनको देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, कोमा ये हो जाएगा 3x प्लस 5y, ठीक है। एंड ये हमारे पास इक्वल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एक्स कोमा वाई, ठीक है। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि आपने x को कुछ इस टाइप से और y को कुछ इस टाइप से आपने कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल सा मेथड है कि आपने इस पर्टिकुलर मेथड से सारी चीजों को करना है। तो एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, लाइक हमारे पास क्वेश्चन है कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है 1,2 पर तो हमें 0,2 मिला, ठीक है। वैसे हम बाई ऑप्शन शॉर्टकट मेथड भी इसका देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम मेथड ही देख रहे हैं जनरली कि हम इसे करेंगे कैसे, ठीक है। मान लीजिए ऐसा हमें गिवन है एंड हमें बोला गया फाइंड एलटी, ठीक है, और ये हमारी आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर में डिफाइन है, ठीक है। चलिए, सो बेसिकली हमें करना क्या है, 1,2 को एंड 2,3 को बेसिस मान करके एक्स कोमा वाई को इनके फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करनी है। अल्फा इंटू 1,2 प्लस बीटा इंटू
2.3, ठीक है। सो इन दोनों को जनरेटर्स मान के हमने इसको लिखने की कोशिश की। लास्ट टाइम हमारे पास जनरेटर्स ये थे, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जनरेटर्स ये थे, तो हमें पता चल गया क्लियरली कि एक्स वाई को जो है इसको एक्स से, सॉरी इसको वाई से और इसको एक्स से मल्टीप्लाई करके हम बना लेते थे। लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं है कि 1.2 एंड 2.3 को किस टाइप से हमें बनाना है। तो पहले आप अल्फा एंड बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट यहाँ से कर ले, ठीक है। सबसे पहले तो एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू अल्फा 1.2 है, ठीक है। तो यहाँ से आप अल्फा प्लस 2 बीटा कोमा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा करके, और पहले आप अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज निकालें, ठीक है। सो यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू आ गया हमारा अल्फा प्लस 2 बीटा एंड वाई इक्वल्स टू आ गया 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक है। सो जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेसिकली बीटा की वैल्यू आ जानी है 2x माइनस वाई एंड अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2y माइनस 3x, ठीक है। यानी कि आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके जब y से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बेसिकली सबसे पहले बीटा की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक किसी इक्वेशन में पुट करके अल्फा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो जैसे ही हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम रख लेते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यूज। सो एक्स कोमा वाई हमारे पास क्या हो जाएगा कि आपने 1.2 को कितने से मल्टीप्लाई किया, किस से मल्टीप्लाई किया है, ये हमने इसको 2y माइनस 3x से मल्टीप्लाई किया है, एंड जो हमारा जनरेटर है दूसरा 2.3 इसे हमने मल्टीप्लाई किया 2x माइनस वाई से, यानी बीटा से मल्टीप्लाई किया, तब जाकर के हमें एक्स कोमा वाई मिलेगा, ठीक है। अब हम इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एक्स कोमा वाई। सो ये हमारे जो नॉर्मल है, ठीक है, जो इनको हम ये मान सकते हैं कि कॉन्स्टेंट्स है, तो ये तो हमारे पास बाहर आ जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लग जाएगी 1.2 पर, क्योंकि हमें पता है टी ऑफ अल्फा यू लगाते हैं, तो ये हमारा अल्फा बाहर आ जाता है, टी ऑफ यू पर लगता है ये, ठीक है। चलिए, सो सिंपली यहाँ पर भी 2x माइनस वाई बाहर रहेगा एंड ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगी 2.3 पर, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास टी 1.2 इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.2, तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी 0.2 एंड यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास 1.2 गिवन है ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज यहाँ पर रिप्लेस कर दी है, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2y × 0 एंड 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x कोमा ये हो जाएगा माइनस 6x और ये हो जाएगा माइनस 3y, सॉरी यहाँ से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2, सो ये हो जाएगा हमारा माइनस 6x एंड माइनस 2y, ठीक है जी। सो ये हमने ये पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से लगाई है, वन सेकेंड। सो आप इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2y को 0 से एंड चलिए इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करते हैं क्योंकि थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। फिर से लगा लेते हैं इसको क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी होने की वजह से हमने जो है इसको थोड़ा सा अच्छे से इसको करते हैं। चलिए, सो बेसिकली हमारे पास देखिए अल्फा की जो वैल्यू आई है 2y माइनस 3x एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 2x माइनस वाई। तो लगाते हैं एक्स कोमा वाई, इस पर हमने लगाई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल्स टू, देखिए अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3x, ठीक है जी। और अंदर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगी 1.2 पर, ठीक है। सो ये हमारा 1.2 है, इसी पर ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 2x माइनस वाई और इस पर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे 2.3 पर, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन 1.2 इसके लिए 2y माइनस 3x और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन 1.2 इसका आंसर हमारा आ रहा है जी 0.2 एंड प्लस में हमारे पास है 2x माइनस वाई, ट्रांसफॉर्मेशन 2.3 का आंसर हमारा है जी 1.2। सो आप पर्टिकुलर यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स वाले टर्म्स को, हम देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2x कोमा माइनस 3x, इससे हो जाएगा माइनस 6x और ये हमारा हो जाएगा माइनस 2y। सॉरी यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन इसका गलत कर रहे हैं थोड़ा सा, इस टाइप से मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा पूरे के पूरे एलिमेंट का जीरो से, देखिए हम थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से और सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से, ऐसे थोड़ी ना होगा भाई,
ये तो हम नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन की तरह लगे, पहले ये हमारा जीरो से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो हमारा बनेगा जीरो, ठीक है, और ये सारा का सारा एलिमेंट वन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा बन जाएगा टू एक्स प्लस वाई ओनली, ठीक है, और कॉमा आ जाएगा। अब ये सारा का सारा एलिमेंट टू से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा फोर वाई माइनस सिक्स एक्स, ठीक है जी, और माइनस ये सारा का सारा पूरा का पूरा हमारा टू से मल्टीप्लाई होगा, सो ये हमारा हो जाएगा प्लस टू फोर एक्स माइनस टू वाई, सो यहाँ से हमारे पास आएगा टू एक्स प्लस वाई। एंड क्योंकि देखिए जिस भी टाइप से मान लीजिए अल्फा वन कोमा टू है, ठीक है, सो ये बेसिकली अल्फा जो है वो वन से भी मल्टीप्लाई होगा, टू से भी, पूरा का पूरा अल्फा हमारा वन से और टू से मल्टीप्लाई होता है। हम यहाँ पर सिंगल सिंगल एलिमेंट का कर रहे थे तो वो थोड़ा सा गलत हो रहा था, ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टू वाई माइनस टू एक्स, ठीक है। सो ये हमारी सिंपल सी ट्रांसफॉर्मेशन थी जो हमने लगाई थी इन एलिमेंट्स पर, तब जा करके हमारी पर्टिकुलर, अब हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगी कि आपने एक्स कोमा वाई को कुछ इस टाइप से कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई कुछ इस टाइप से, दैट टू एक्स प्लस वाई कोमा टू वाई माइनस टू एक्स, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन बन गई, ठीक है। सो ये हमारा सिंपल सा मेथड रहता है कि कैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं। इसके लिए एक और मेथड रहता है जिसे हम कहते हैं, लाइक हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, ठीक है, सच दैट जब आपने 1,0 पर लगाई तो हमें मिला 2,3,1 आर स्क्वायर टू आर क्यूब में, सॉरी, ठीक है। सो और एक हमें मिला टी 1,1 पर आपने जब लगाया तो ये हमें मिला 3,0,2। अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस गिवन है, लाइक हमारे पास ए बी एंड सी कुछ इस टाइप से गिवन है, दैट टी एक्स कोमा वाई आपका हो जाएगा, आपने लगाया एक्स माइनस वाई, 2x-y एंड 3x+3y, और ये हमारा मान लीजिए कुछ इस टाइप से गिवन है 2x+y 3x-3y एंड x+y, तो आप डायरेक्टली बाय ऑप्शन भी करके देख सकते हैं कि जो आपके पास गिवन है उन्हें ऑप्शन से बना करके देखें कि क्या वो सही बैठता है, ठीक है। यानी कि t 1,0 पर आप लगा के देखें कि आपके पास 2,3,1 बनना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन में लगा के देखते हैं। एक्स कोमा वाई को हमने 1,0 पुट किया तो चेक करते हैं, ये हमारा आ जाएगा 1,0 यानी 1, और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 3, ठीक है। सो ये तो हमारा आंसर नहीं है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। इस पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 2 एंड ये हमारा हो जाएगा 3, यस, क्योंकि हमने 1,0 पुट करना है एंड एक्स प्लस वाई है, ठीक है, सो ये हमारा 1 हो जाएगा। सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके लिए भी चेक कर लेते हैं, 1,0 हमने रखा तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ही हमारा गलत हो गया क्योंकि हमारे पास 1 आना चाहिए, ठीक है, सो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो बाय ऑप्शन आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये हमारी सिंपल सी चीज थी कि कैसे आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कर्नेल एंड रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब कर्नेल एंड, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, ये ई होगा, ठीक है। कर्नेल एंड रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आपने लगाई है U टू V में, ठीक है जी। ये हमारा U है और ये हमारा V है, ये U, ये हमारा V, ठीक है। V में हमारे पास मान लीजिए एक जीरो एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे कितने एलिमेंट्स है U के जिन पर आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो तो हमें V का जीरो मिलता है, ठीक है। तो जितने भी ऐसे एलिमेंट्स है जिन पर U के जितने भी एलिमेंट्स है जिन पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर हमें जीरो मिलता है, उन सभी का सेट, ठीक है, वो हमारा हो जाता है जी कर्नेल ऑफ टी, ठीक है। सो कर्नेल टी की हमारी डेफिनेशन क्या हो जाती है, कर्नेल टी, इसे हम नल स्पेस भी बोलते हैं, नल स्पेस, ये हमारा होता है सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन जब आप लगाते हैं एक्स पर तो आपको जीरो मिले। वैसे बेसिकली क्या होता है, जीरो पर लगाते हैं तो जीरो मिलता ही मिलता है, लेकिन कुछ और भी एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है, जिन पर भी आप अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो आपको जीरो मिलेगा। लाइक एक्स माइनस वाई है, अगर आप 1,1 पर लगा रहे हैं तो भी आपको जीरो मिलेगा, जीरो पर लगा रहे हैं तो भी जीरो मिलेगा, 2,2 पर लगा रहे हैं तो भी आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। सो 1,1, 2,2, 3,3, सो ये सारी के सारी एलिमेंट्स जो है ये आपके कर्नेल टी कहलाएंगे, ठीक है, कर्नेल टी में आएंगे, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे सारा ऐसा सबसेट ऑफ टी, ऐसा सबसेट ऑफ यू, या यू के वो सारे एलिमेंट्स का सेट जो कि जिन पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो हमें जीरो मिले, ठीक है।
सो ये हमारा क्या क्या कहलाएगा, कर्नेलिटी कहलाएगा, और ये हमारा जो है सबसेट ऑफ ये हमारा सबसेट ऑफ यू होता है एंड इट इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस ऑफ यू, ठीक है। सो ये वेक्टर स्पेस भी है एंड सबसेट ऑफ यू भी है, ठीक है। सो ये हमने चेक कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेंज ऑफ LT या फिर रेंज टी या इसको बोल सकते हैं रेंज स्पेस, ठीक है। सो रेंज स्पेस क्या कहलाता है, रेंज स्पेस होता है कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं यू के, उन सभी के जो इमेजेस का सेट होता है वी में, वी के अंदर यू के सभी एलिमेंट्स की इमेजेस का जो सेट होगा, ठीक है, यानी जितने भी एलिमेंट्स यू के साथ कनेक्टेड हैं उन सभी का सेट जो होता है वो हमारी रेंज स्पेस कहलाता है। जैसे आपके बेसिकली फंक्शन में ये हमारे एलिमेंट्स डोमेन होते हैं और डोमेन्स की वी के अंदर जो भी इमेजेस होगी उन्हें हम रेंज कहते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है, रेंज स्पेस। सो बेसिकली रेंज टी क्या होता है, इट्स अ वाई फ्रॉम वी सच दैट वाई इज इमेज ऑफ एक्स, ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है जी। और ये हमारा सबसेट होता है वी का। वी के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी तो हो सकते हैं जो कि कनेक्टेड ना हो यू के किसी भी एलिमेंट से, तो उन एलिमेंट्स को हमें नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ उन एलिमेंट्स को लेना है जो कि यू के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, ठीक है। यानी कि बेसिकली रेंज टी हमारी रेंज स्पेस ही होता है, ठीक है, रेंज होती है। और अगर हम बात करें तो कर्नेलिटी भी हमारा क्या होता है, एक सब वैक्टर सब स्पेस होता है यू का। इट इज अ वैक्टर सब स्पेस ऑफ यू। एंड जो हमारा रेंज टी होता है, रेंज टी इट इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी, ठीक है जी। ये हमारा वेक्टर सब स्पेस है वी का, रेंज टी, और कर्नेल टी हमारा वेक्टर सब स्पेस होता है यू का, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं नलिटी टी एंड रैंक टी हमारा क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा नलिटी टी एंड रैंक टी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है, यानी कि एग्जाम के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारा क्वेश्चन रहता है। सो नलिटी टी हमारा क्या हो जाएगा, नलिटी टी इज द डायमेंशन ऑफ बेसिस ऑफ कर्नेल टी, यानी कि आपने जो कर्नेलिटी लिया था वेक्टर सबस्पेस लिया था यू में से सो इसी की डायमेंशन, इसके बेसिस की जो डायमेंशन होगी वही हमारा कर्नेलिटी होगा। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे तो वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। सो ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है बल्कि डायमेंशन ऑफ बेसिस लेनी है हमें कर्नेलिटी की, ठीक है, इसे हम नलिटी टी बोलते हैं। एंड रैंक ऑफ टी क्या होता है, रैंक ऑफ टी हमें लेना है डायमेंशन ऑफ बेसिस ऑफ रेंज स्पेस। इस पर काफी सारे क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसकी नलिटी टी एंड रैंक टी फाइंड आउट करते हैं। फिलहाल हमें सिर्फ इनकी डेफिनेशंस पर ध्यान देना है। नलिटी टी होता है डायमेंशन ऑफ बेसिस ऑफ कर्नेलिटी एंड रैंक टी होता है डायमेंशन ऑफ बेसिस ऑफ रेंज स्पेस टी, ठीक है जी। चलिए इसके बाद हमारी एक बहुत ही अच्छी सी थ्योरम भी है, रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम हमारी क्या कहती है कि जो हमारे V की डायमेंशन होती है, V की डायमेंशन यानी डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू रैंक ऑफ T प्लस नलिटी T। V की डायमेंशन हमारी नलिटी T एंड रैंक ऑफ T के इक्वल होती है, ठीक है, इनके एडिशन के इक्वल होती है। यह हमारी रैंक नलिटी थ्योरम है, इसको हम आगे भी करेंगे, ठीक है जी। चलिए इन पर बेस्ड सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। लाइक हमें एक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है सच दैट टी एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज ऑपरेटेड एज एक्स प्लस वाई कोमा एक्स माइनस जेड, ठीक है। सो ये आर क्यूब टू आर स्क्वायर में है। देन द नलिटी टी हमें फाइंड आउट करना है। नलिटी टी का मतलब डायमेंशन ऑफ बेसिस ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस जो है उसकी डिमेंशन ऑफ बेसिस हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसके डेफिनेशन पर जाएंगे। नल स्पेस होता है कि वो सारे एलिमेंट्स यू के वो सारे एलिमेंट्स जिन पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर हमें वी इक्वल्स टू जीरो मिले, ठीक है। तो इसी लॉजिक को हमें यूज करना है, यानी कि नल स्पेस हमारा क्या होता है, नल स्पेस की डेफिनेशन हमारी कहती है कि आपने कोई भी एक्स कोमा वाई कोमा जेड लेना है बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट उस पर जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे
तो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो लेकिन आपके पास 0.0 ही बनना चाहिए। यही हमारी नलिटी स्पेस की, नल स्पेस की डेफिनेशन है। सो इसके लिए एक्स कोमा वाई कोमा जेड पर आपने कुछ इस टाइप से, अब ट्रांसफॉर्मेशन को आप यहाँ पे लिख दें। ट्रांसफॉर्मेशन हमारी क्या है, एक्स प्लस वाई कोमा एक्स माइनस जेड, और ये हमारा है 0.0 के इक्वल, ठीक है जी। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो एक्स प्लस वाई भी हमारा जीरो हो जाएगा, एक्स माइनस जेड भी आपका जीरो हो जाएगा। सो यहाँ से आपके पास क्लियरली डेफिनेशन आती है, सॉरी जो हमारी इक्वेशन आती है, एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई एंड एक्स इक्वल्स टू जेड। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम नल स्पेस को लिखना चाहें, नल स्पेस, नल स्पेस के लिए एग्जैक्टली डेफिनेशन हमारी क्या बनेगी, ऑल एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट इक्वेशन हमारी बनी, एक तो एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई एंड एक हमारा बना एक्स इक्वल्स टू जेड। ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे 3 और इक्वेशंस हमारी, इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हमारी 2 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ बेसिस ऑफ नल स्पेस आ जाएगा, और ये डायमेंशन ऑफ नल स्पेस आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 1 के। यानी कि आपकी नलिटी जो है, नलिटिटी आपकी क्या हो जाएगी, नलिटिटी इक्वल्स टू 1 हो जाएगी, ठीक है। सो ये हमारा सिंपल सा मेथड रहता है। या फिर अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करना भी चाहें, इक्वेशंस को इसमें पुट करें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स कोमा वाई की जगह आप क्या पुट करेंगे, माइनस ऑफ एक्स, एंड जेड की जगह आप फिर से एक्स पुट कर देंगे। तो इसमें वेरिएबल तो एक ही रहा ना, सो इसके लिए एक्स को बाहर ले लेंगे और बेसिस अंदर क्या रहेगा, 1, -1, 1। इसी से सारे के सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे इसके, दैट मीन्स यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन ऑफ बेसिस कितनी रहेगी, 1 रहेगा, ठीक है। और इसका बेसिस है भी क्या, इसका बेसिस हमारा सिंपली है 1, -1, 1, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इस टाइप का लेते हैं। बेसिकली किसी भी मेथड से आप इसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, जल्दी से मेरे साथ ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। दिस बी एल टी सच दैट टी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कोमा एक्स माइनस वाई, ठीक है। सो इसमें बेसिक से हमारी डेफिनेशन क्या होगी कि एक्स कोमा वाई पर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, कुछ इस टाइप से है कि जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, सो ये हमें मिला एक्स प्लस वाई कोमा एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 0.0। सो यहाँ से क्लियरली हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स कोमा वाई, ये हमारा है नल स्पेस। नल स्पेस की डेफिनेशन हमारी क्या बनेगी, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, -x - y इक्वल्स टू 0। तो इंडिपेंडेंट इक्वेशन हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी हमारे पास 2 है, 2 - 2 = 0, यानी कि इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो हमारी 0 हो जाएगी। तो अगर आप नलिटिटी की बात करते हैं, नलिटिटी इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है जी। चलिए बेसिकली आप देख भी सकते हैं यहाँ से x भी 0 आएगा, y भी 0 आएगा, ठीक है। सो आपके पास नल स्पेस के अंदर जो इसका बेसिस बनेगा ये बनेगा, और ये हमारा एक जीरो स्पेस होता है, और जीरो स्पेस के लिए अगर आप डायमेंशन देखते हैं तो 0 ही होती है, ठीक है। सो बेसिकली इसकी नलिटिटी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि जितने इनफ हम इस पर काफी सारे क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, लाइक सच दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कुछ इस टाइप से, एक्स कोमा वाई कोमा 0। सो इसके लिए भी आपने नलिटिटी, नल स्पेस जो है उसको फाइंड आउट करना है। सो नल स्पेस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल्स टू हो जाएगी एक्स कोमा वाई कोमा 0 के, सच दैट एक्स कोमा वाई कोमा जेड हमारा बिलोंग्स करता है आर क्यूब से, एंड ये हमारा हो जाएगा नल स्पेस, ठीक है जी। चलिए सो इसके लिए आपने क्या किया, इस नल स्पेस के लिए आपने बेसिकली ऐसी कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है कि एक्स वाई जो है हमारा बेसिकली 0, 0, 0 हो जाए। सो आप यहां से देख सकते हैं, सॉरी ये भी हमारा, ये हमारा 0, 0, 0 होना चाहिए, कि ट्रांसफॉर्मेशन है वो 0, 0, 0 होना चाहिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन हमारी एक्स कोमा वाई कोमा 0 और ये हमारी 0, 0, 0 के इक्वल हो गई, दैट मीन्स यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है, ठीक है। दो इक्वेशन हमारे पास x कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब।
इसके लिए अगर आप देखें, वैसे बेसिकली देखें तो आपके पास वेरिएबल्स आपके पास 3 है, इक्वेशंस आपके पास 2 है, तो डायमेंशन आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है। डायमेंशन ऑफ बेसिस आपके पास 1 आ जाएगी। वैसे भी आप अगर आप बनाना चाहें तो इसको बनाएं, ये हो जाएगा 0, 0, z बिलोंग्स टू आर क्यूब, सो इसके लिए जेड बार आएगा, नंबर जो हमारा बेसिस आएगा 0, 0, 1, ठीक है। तो ये हमारा बेसिस हो जाएगा, सो बेसिस डायमेंशन ऑफ बेसिस हमारी क्या हो जाएगी, 1 यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है जी। सो इस टाइप से आप किसी भी टाइप से अपना क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि आप आंसर इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, आपने बताना है कि इनमें नलिटिटी क्या है, ठीक है जी। जल्दी से आपके जो कमेंट बॉक्स है वहां पर इन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए जल्दी से नलिटिटी जो है फाइंड आउट करके, और जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उस टाइम में आप प्लीज जरूर इसको कमेंट करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस को, यानी कि एटलीस्ट इसके 2 पार्ट्स को जरूर ट्राई करें। ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस है आपकी प्रैक्टिस के लिए, 2x-y, z-y, और यहाँ पर है x+y, t(x,y,z) इज इक्वल टू x+y, x+y+z, y। तो इसमें आप देख भी पाएंगे कि जैसे ही आप इन सभी को इक्वल्स टू 0 के इक्वल रखेंगे, तो आपके पास यहाँ 3 वेरिएबल में से 3 इक्वेशन माइनस हो जाएगी, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स में से 3 इक्वेशन माइनस हो जाएगी, यहाँ आपके पास 2 वेरिएबल्स में से 2 इक्वेशंस, यहाँ भी आपके पास 2 वेरिएबल्स में से 2 इक्वेशन, तो बेसिकली सभी के लिए आपकी जो डायमेंशन है वो 0 ही आपको मिलेगी, ठीक है जी। सो ये आपने देख लिया है। इसके बाद हमारा एक फाइनल एंड लास्ट टॉपिक रहता है, विच इज ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स होती है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स मैट्रिक्स होती है B1 to B2, यानी एक बेसिस से दूसरे बेसिस तक हमारी एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स होती है। ट्रांजिशन मैट्रिक्स का मतलब यह है कि B1 के जितने भी आपके जनरेटर्स हैं, या मान लीजिए B1 के जितने भी आपके बेसिस हैं, ठीक है, उनको आप B2 बेसिस से बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि B1 के बेसिस से B1 के बेसिस को B2 के बेसिस के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो जो भी आपके कोफिशियंट्स की मैट्रिक्स होगी वही हमारी ट्रांजिशन मैट्रिक्स हो जाएगी। लाइक बेसिस है B1, इसके अंदर आपके एलिमेंट्स है B1, B2, Bn, ठीक है जी, और दूसरा बेसिस आपका B2, इसके अंदर एलिमेंट्स है U1, U2, up to UN, ठीक है जी। तो आपने B1 को बनाने की कोशिश करनी है इन द लीनियर कॉम्बिनेशन, इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B2। सो U1, U2, U3, यानी कि B2 को बनाने की कोशिश करनी है। α1, α2, β2, up to αn, βn, ठीक है। इसी टाइप से U2 को बनाएंगे तो ये हो जाएगा लाइक β1, β1, β2, β2, up to βn, βn, इसी टाइप से आप बनाते जाएंगे, और लास्ट मान लीजिए आपका हो गया UN को आपने बनाया है γ1, β1, γn, βn, ठीक है। सो इनके जितने भी ये कोफिशियंट्स हैं, इन सारे के सारे कोफिशियंट्स की अगर हम मैट्रिक्स बनाना चाहें, तो मैट्रिक्स हमारी बनेगी α1, α2, βn, β1, β2, βn, और ये चलती जाएगी, और लास्ट γ1 से λ γn तक, ठीक है। सो यही हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांजिशन मैट्रिक्स हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोफिशियंट मैट्रिक्स बनाते थे, ठीक है। और कोफिशियंट मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेते तब आपके पास बेसिकली लीनियर जो हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो आती थी, ठीक है। इस पर बेसिस कुछ और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर रहे चीजें। एक क्वेश्चन करते हैं हम, जिसमें हमें गिवन है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है लाइक 1, x, x2, x3 था, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है x3, x2, x and 1 में।
तो क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रही होगी या इसकी क्या ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या इसकी है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स, यानी कि आपने इस B1 से B2 को बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। सो B2 को बनाते हैं, x क्यूब को बनाया हमने, x स्क्वायर को बनाया, x को बनाया, 1 को बनाया, किस टाइप से बनाएंगे, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में बनाना है। तो हम 1 को किस, 1 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को भी 0 से, एक्स क्यूब को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये बन गया, ठीक है। इसके लिए हम 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड एक्स क्यूब को भी हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि B1 को आपने यहाँ पर रखा है, ये सारे के सारे B1 है, ठीक है, और B2 के सारे एलिमेंट्स को आप B1 के कोफिशियंट्स के फॉर्मेट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये जो आपकी मैट्रिक्स आएगी, इन सभी कोफिशियंट्स को लेकर के जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, इसी टाइप से यहाँ पर बन जाएगा दिस एंड यहाँ हो जाएगा दिस। तो यही हमारी इसके लिए ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है जी। सो ये आपके सिंपल से इक्वेशंस है जिनसे आप पर्टिकुलर इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप से एक और चीज हमें पूछी जाती है, हमें कई बार क्योंकि हमने रैंक टी की बात की थी, रैंक ऑफ टी के लिए देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ वी, रैंक नलिटी थ्योरम से हमें पता चला था कि डायमेंशन ऑफ वी जो होता है ये हमारा होता है रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी। समटाइम्स क्या होता है, हमारा नलिटी हमारा जीरो आ जाता है, देन डायमेंशन ऑफ वी ही हमारा रैंक ऑफ टी के इक्वल होता है, ठीक है। सो जो हमारा नलिटी टी इक्वल टू जीरो वाला केस होता है, इसे हम बोलते हैं, इसमें हमारी जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारी 1-1 होती है, और इसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारी नॉन सिंगुलर हो जाएगी, या फिर हमारा नलिटी टी क्या आ जाता है, नलिटी टी हमारा इक्वल टू जीरो आ जाता है। तो तीनों चीजें एक ही हैं, ठीक है, बिकॉज जब भी आप बात करते हैं कि बेसिकली जब भी आपकी डायमेंशन ऑफ वी और रैंक टी आपका इक्वल हो गया, डायमेंशन ऑफ वी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी, ठीक है, एंड रैंक ऑफ टी यानी कि जितनी की जितनी इसकी यू की इमेजेस है वी में, ठीक है, यानी कि अगर डायमेंशन ऑफ वी, वी के सारे एलिमेंट्स, और रैंक ऑफ टी यानी कि जितनी भी इमेजेस है यू की, दोनों अगर इक्वल है, दैट मीन्स वी के सारे एलिमेंट्स यू से कनेक्टेड है, और वी के सारे एलिमेंट्स यू से कनेक्टेड है, वो भी सिंगल सिंगल, तो हम उसे कहेंगे 1-1 नॉन सिंगुलर, यानी कि नलिटी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो तो जीरो से कनेक्टेड होता ही है, लेकिन बाकी कोई एलिमेंट जीरो से कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1-1 फंक्शन हमारा हो जाएगा इफ डायमेंशन ऑफ वी हमारा रैंक टी के इक्वल होता है, ठीक है। और वैसे बेसिकली रैंक टी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जितनी भी डायमेंशन ऑफ वी है इसमें से एक जीरो के साथ जितने एलिमेंट्स कनेक्टेड है उन सभी को हम माइनस कर देंगे, यानी नलिटी टी अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा रैंक टी आ जाता है, ठीक है। सो ये आपका बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाए इफ एफ इज 1-1, तो आपको सिंपल सा पता रहेगा कि डायमेंशन ऑफ वी हमारा रैंक टी के यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिक सा सिंपल सा लॉजिक था जो हमने रैंक नलिटी थ्योरम के बेसिस पर देखा। सो ये हमारा चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस पर जितने भी क्वेश्चंस आपको इधर उधर से मिलते हैं बुक्स वगैरह से, सो आप उनको सॉल्व करें, और आई होप टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस को प्लीज जरूर लिखें, एंड जो भी क्वेश्चन है उनको जब भी आप सॉल्व करते हैं तो उनके आंसर्स भी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन किया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।